शहर के चमन चौराहा स्थित शहीद बाल विहार गार्डन के पास जियो कंपनी की ओर से मोबाइल टावर लगाने का शनिवार शाम को क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। क्षेत्रवासी टावर के कारण होने वाली परेशानियों को देखते हुए मोबाइल टावर को यहां स्थापित नहीं करने पर अड़ गए। मौके पर एकत्रित हुए क्षेत्रवासी टावर लगाने के कार्य को रुकवाने पर आमादा थे। इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे तथा मौके की नजाकत को देखते हुए टावर लगाने का कार्य को रुकवा दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे स्थानीय वार्ड पार्षद भरत पाखमा ने टावर लगाने वाले कर्मचारियों से उसकी वैध स्वीकृति दिखाने की बात कही, जिस पर कर्मचारियों ने नगर परिषद की ओर से इस बाबत स्वीकृति जारी करने की जानकारी दी। इस दौरान पार्षद भरत बाघमार ने टावर लगाने के स्थान को राहा में रोड़ा बनने तथा आसपास में बैठकर सब्जी बेचने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए टावर लगाने के स्थान में परिवर्तन करवाने के लिए प्रशासन से संपर्क करने की बात कहते हुए कंपनी के कर्मचारियों को आगामी 2 दिनों तक अपने काम को बंद रखने की मंशा जताई, जिस पर कंपनी के कर्मचारियों ने टावर लगाने के कार्य को आगामी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान राधेश्याम शर्मा, किशन सेन, अशोक लोधा, चांदमल प्रजापत, गुड्डू आर्य, मनीष चौधरी तथा शौकीन आदि शामिल थे। चमन चौराहे के पास स्थित सब्जी मंडी पर जियो कंपनी के टावर लगने की सूचना पाकर मैं उक्त स्थान पर पहुंचा। वहां पर जियो कंपनी के कर्मचारी मजदूर सड़क का कुछ हिस्सा खोदकर वहां पर टावर लगाने की कवायद शुरू कर देते। मेरे द्वारा उनसे पूछा गया कि आप यहां पर जो कर रहे हैं ये क्या काम है और किस वे में आप काम करना चाह रहे हैं, किसकी परमिशन से कर रहे हैं। वहां पर मुझे एक स्वीकृति की जो पेपर है वो दिखाया गया कि ये हमारे पास परमिशन है, जियो का एक टावर लगाना चाह रहे हैं हम, जिसकी परमिशन नगर परिषद द्वारा हमें मौका रिपोर्ट और लेआउट प्लान पास करके दी हुई है। उक्त रिपोर्ट देखने के बाद मैंने उनको यही कहा कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को, आने जाने वाले राहगीरों को, और चूंकि यहाँ पर व्यस्ततम रोड है, ये यहाँ ब्यावर की जो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है वो इसी रोड के ऊपर लगती है, उसके द्वारा कहीं आवागमन बाधित ना हो, व्यवस्था में व्यवधान ना पड़े और कोई एक्सीडेंट जोन ना बने, और भी कुछ टावर की कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, हो सकता है वो अपनी जगह सही हों।